दिवाली की स्पेशल चकली रेसिपी जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं सविता, सविताज किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली की स्पेशल रेसिपी चकली, जो कि सभी के घरों में दिवाली में तो बनता ही है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों का बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपके घर में, आपके किचन में ये सारे सामान आपको मिल जाएंगे और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे, बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में, बहुत कम सामान में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम पोहा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज मैं पोहे से ये चकली बनाऊंगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, कुरकुरा बनकर तैयार होगा और आप इसे पूरे महीने स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 250 ग्राम पोहा, जिससे आप पोहे का नाश्ता बनाते हैं ना, बस वही वाला पोहा है। और यहाँ पर हमने 250 ग्राम ही चने का दाल ले लिया है। तो ये रोस्टेड चना है दोस्तों, जो भुना हुआ मिलता है ना चना, बस वही वाला है। अगर आपको नहीं मिल रहा है बाई चांस, तो आप जो सीधा वाला, मतलब साबुत चना भुना हुआ आता है ना, वो ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पोहे को पीस लेना है, मतलब कि इसका आटा तैयार कर लेना, जैसे कि पाउडर। तो हमें इसे ना, इसका पाउडर रेडी कर लेना है दोस्तों। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है दोस्तों, वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। और सभी मेजरमेंट के साथ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पोहे को पीस लिया है और ये फाइन सा पाउडर बन गया, बिल्कुल भी दरदरा नहीं है, एकदम सीए पाउडर, जैसे आटा होता है ना चावल का, बस वैसे ही ये बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। तो इसे हमें छानना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, एक हमने ले लिया बड़ी सी थाली और हमने एक चलनी ले लिया, जिसे हम आटा चालते हैं ना, बस वही वाली चलनी है। तो सारे पोहे को पीस कर हम इसी में डाल देंगे और एक साथ ही अब इसे चालेंगे। वैसे तो चालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम चाल लेंगे, थोड़ा कहीं भी रूप मतलब छूट जाता है तो वो निकल जाएगा आसानी से। तो अब इसे हमें चाल लेना है। तो जो भी दरदरा हुआ बचा हुआ है ना, उसे हम मिक्सर जार में रख लेंगे। तो देख सकते हैं, हमने जो बचा हुआ था उसे भी हम इसमें मिक्सर जार में रख लिया है और जो भुना हुआ चना है ना, बस साथ में हम एक साथ ही इसे पीस लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे चने का बेसन भी रेडी हो गया है। अब हमें इसे भी चाल लेना है उसी पाउडर में, जो आटे मतलब पोहे का पाउडर बना है ना, बस उसी में इसको भी हम छान लेंगे। तो इस दिवाली पर दोस्तों, आप लोग भी जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम ही हमने मैदा ले लिया है दोस्तों। तो मैदे को भी हम छान लेंगे, मैदा तो ऐसे हमारा फ्रेश है, लेकिन फिर भी हम छान लेंगे। तो छानने से क्या रहता, जो भी इम्प्योरिटी रहेगी वो निकल जाएगी। तो देख सकते हैं, हमने तीनों मतलब आटा को तैयार कर लिया है, छान लिया। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो रिफाइंड ऑयल इसमें हम डाल रहे हैं दोस्तों, तो करीब हम 4 चम्मच यहाँ पर तेल डाल रहे हैं, बहुत बड़े वाले चम्मच से नहीं, लेकिन छोटे चम्मच से मतलब 4 चम्मच यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है। अब इसे हम मोयन कर लेंगे, मतलब जैसे कि इसे अच्छे से मसल मसल कर इसे हम खस्ता कर लेंगे, ताकि जब मतलब जैसे कि जब हम बांधेंगे मुट्ठी ना, तो मुट्ठी बन जाएगी, तो समझिए हमारा आटा तैयार हो गया है। तो बहुत इसे हमें मसलना है दोस्तों, क्योंकि हमें इसे लंबे समय तक स्टोर करना रहेगा, पूरे महीने आप इसे रख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इसका आटा लगाना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया चकली का मसाला। तो दोस्तों, आपको इजीली ये दिवाली के टाइम पे अक्सर मिल ही जाता है, किराने स्टोर्स पे मिल जाता है या फिर डीमार्ट वगैरह में मिल जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है बाई चांस, तो आप अपने हिसाब से मसाला आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और फिर उसमें तिल सफ़ेद वाली ज़रूर डालना दोस्तों, क्योंकि चकली में तिल पड़ता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो तिल ज़रूर डालना मसालों के साथ। तो अपने हिसाब से आप मसाले को तैयार कर सकते हैं। तो हमने मसाला भी रेडीमेड ही लिया था, तो हम इसमें डाल देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो चकली का पीठ है बनकर तैयार हो गया है। तो ये लगभग 70 ग्राम हमारा पीठ तैयार हो गया है बनकर, जो ये चकली का पीठ होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मतलब अच्छी तरह से हमारा चकली का पीठ तैयार हो गया है। अब हमें इसका आटा लगाना है, जैसे हम आटा लगाते हैं ना, वैसे ही इसका हमें आटा लगाना है। तो हमें पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा लगाना है। तो इस आटे में दोस्तों पानी ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें मतलब पोहा है ना, तो पोहे में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, सख्त होता है ना पोहा, सोख करता है ज़्यादा पानी, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके और इसका एक डो बना लेना है।
तो दोस्तों बहुत आसान रेसिपी है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और ये खास बात यह है कि आपके किचन में सारे सामान आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, मतलब सभी के घरों में रहता ही है सर। तो यहाँ पर देख सकते हैं डो हमारा रेडी हो गया है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुआ दोस्तों। अभी हम इसको रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे, कि ताकि ये बहुत हार्ड हो जाता है ना, तो अभी इसको हम रखेंगे कि देखेंगे कितना ये हार्ड होता है। वापस से हमें इसका मतलब पानी से इसे हमें गूंदना रहेगा। तो अभी हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये आटा हमारा एकदम से ड्राई हो गया। देखिए कितना ये पानी सोख लेता है। तो वापस से हम इसमें पानी डालते हुए फिर से इसका हम एक मुलायम सा डो करेंगे, मतलब ताकि हमारा जो चकली है अच्छे से ये अब चकली में बाइंडिंग आ जाए और अच्छे से हमारा चकली बनकर रेडी हो कांटेदार। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर हमने 4.5 कप पानी, इतने आटे में 4.5 कप पानी इसी कप से लगा हुआ था दोस्तों। अब हम हाथों में तेल लगाकर और इसे हम चिकना कर लेंगे आटे को, क्योंकि आटा हमारा हो चुका है रेडी, एकदम सॉफ्ट सा मुलायम सा आटा हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमारा आटा रेडी हो गया है, अब हम चकली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों चकली बनाने के लिए हमने यहाँ पर चकली का मशीन ले लिया है और चकली वाला सांचा भी ले लिया, जो मतलब जाली। अब हम इसमें सेट करेंगे और फिर आटे को हम डालेंगे। इसको पहले हम ग्रीस करेंगे तेल से, पहले हम इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, ताकि इसमें चिपके ना और हमारा जो चकली अच्छी तरह से निकले फिनिशिंग के साथ। एक लोई लेंगे और इस तरह से हम लंबे शेप में इसे बनाएंगे, फिर इसमें हम डालकर और इसे बंद करके चकली बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हमने थाली लिया जिसे हमने उल्टा कर दिया है। अब ना इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाकर फैला देंगे, अब हम चकली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको, जब हम चकली बनाएंगे तो थोड़ा सा हमें इसे चिपकाना होता है दोस्तों, ताकि हमारा चकली खुले ना जब तेल में जाए। तो देख सकते हैं ना कितने आसानी से चकली बनकर तैयार हो रहा है, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अभी तो रेडीमेड मिलने लगा है चकली का पीठ, लेकिन हम क्यों रेडीमेड लें जब इतने आसानी से हमारे घर में ही ये पीठ तैयार हो जाता है और बहुत ही आसानी से कम सामान में ही रेडी हो जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से हमें सारे चकली को रेडी कर लेना है दोस्तों। तो आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सारे चकली को हम इसी तरह से बना लेंगे दोस्तों। तो ये देख सकते हैं हमने चकली को बना लिया है और इतना चकली आपको हम फ्राई करके दिखाते हैं। तो हमने गैस पर तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए, रिफाइंड ऑयल। अब इसे हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे, मतलब कि एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम चकली को डालेंगे इसमें। तो तेल हमारा एकदम अच्छे से मतलब गर्म हो गया है, अब हम फ्लेम को ना मीडियम कर देंगे। तेल को हमने गर्म किया हाई फ्लेम पे, अब हम मतलब गैस को लो टू मीडियम कर देंगे, उसके बाद ही हम चकली को डालेंगे। तो लो टू मीडियम पर ही हमें चकली को फ्राई करना है दोस्तों, नहीं तो क्या रहेगा कि चकली ऊपर से तो दिखेगा कि हो गया लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें इस चीज़ का बहुत ही ध्यान देना है दोस्तों कि हमें लो टू मीडियम पर ही इसे हमें फ्राई करना है और धीरे धीरे इसे हमें होने देना है, तभी हमारी चकली अच्छी सी कुरकुरी निकलेगी बनकर और पूरे महीने ये टिकेगी। तो ये देख सकते हैं ये एक तरफ से क्रिस्प हो चुका है, अब इसे हमें पलट देना है। तो जब तक एक तरफ से अच्छे से सिक ना जाए तब तक हमें नहीं पलटना है, नहीं तो हमारी चकली जो है टूटने लगेगी दोस्तों। तो इस दिवाली पर दोस्तों आप भी जरूर बनाना पूरे महीने के लिए, थोड़े ज्यादा मात्रा में बना लेना। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम चकली को अलट पलट कर अच्छी तरह से इसे हम कुरकुरा कर लेंगे। तो देख सकते हैं चकली हमारी अच्छे से हो चुकी है रेडी, कलर बहुत अच्छा आया है और एकदम से कुरकुरा और क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया। देख ही सकते हैं ना आप प्यारा कलर आ गया है। तो बस अब हम चकली को निकाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि चकली हमारी अच्छे से हो गई है रेडी। तो हम एक बड़ा सा कलछी लेंगे स्ट्रेनर, इसमें हम मतलब चकली को रख देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ये निकल जाए आसानी से। देख सकते हैं ना कितना प्यारा कलर आया है। अब हम दूसरा बैच भी डाल देंगे और इसी तरह से हम सारे चकलियों को फ्राई करके रख लेंगे दोस्तों।
तो मैं सिर्फ 2 मिर्च आपको दिखा रही हूँ तल के। उसके बाद सारा जब रेडी हो जाएगा तब आपको मैं दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं, हम एक प्लेट में इसे निकालते जाएंगे, इस तरह से बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो दूसरा बैच भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे सेम प्रोसेस से। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान देना कि हमें तेल को अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम करना है, उसके बाद हमें फ्लेम को लो टू मीडियम करके ही चकली को फ्राई करना, नहीं तो चकली ना हमारी टूटने लगेगी दोस्तों। और जब ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए एक साइड, तभी हमें पलटना है इसको। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है, प्यारा सा कलर आ गया दोस्तों। अभी से भी हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे चकली को फ्राई करके फिर आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है दोस्तों, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना इस दिवाली पर दोस्तों, और पूरे महीने आप स्टोर करके खा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों। एक बार बनाएंगे तो बहुत पसंद आएगा आप सभी को भी, और एक बार इस तरह से ज़रूर बनाना। तो लीजिए दोस्तों, सारी चकली हमारी रेडी हो चुकी है बनके। जितना भी आटा हमारे पास हुआ था सारा हमने बना कर रेडी कर लिया है दोस्तों। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है दोस्तों, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी है ये और कितना खस्ता बनकर ये रेडी हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देख सकते हैं मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कितनी आसानी से और कितना सॉफ्ट है, फटाफट टूट जा रहा है, एकदम क्रिस्पी और खस्ता है। और ये पूरे महीने आप स्टोर करेंगे, बिल्कुल नरम नहीं होगा, पूरे महीने आपको ऐसे ही टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।